Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is Sawan Ka Geet, which is very interesting poem from chapter number 9, yani ki part sankhya 9, or our book name is Rimjhim. So children, today we will read page number 39. Before reciting this poem, I want to show your course book. तो बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 2. और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, चैप्टर नंबर 9, सावन का गीत. तो एक छोटी सी पोयम है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोयम है, तो आप और हम मिलकर इसे पढ़ते हैं. तो बच्चों, इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ सावन. सावन का महीना कौन सा होता है बच्चों? अगस्त का महीना है ना. जो सावन का महीना होता है उसमें खूब बारिश आती है. इसके अलावा क्या क्या होता है, बच्चे झूले डालते हैं जगह जगह पर और झूले झूलते हैं. झूले का आनंद बच्चे बड़े सभी लेते हैं, क्योंकि झूला झूलना सभी को बहुत अच्छा लगता है. इसके अलावा सावन के ही महीने में भाई और बहनों का जो पवित्र त्योहार होता है रक्षाबंधन, वो भी मनाया जाता है. इस त्योहार पर क्या होता है कि जो बहनें होती हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन लेते हैं और उन्हें अपनी बहनों को सुंदर सुंदर गिफ्ट भी देते हैं. तो बच्चों, आज हम सावन का गीत, सावन के महीने में क्या क्या होता है, कैसे लोग बाग खुश होते हैं, वे लोग क्या क्या करते हैं, वो इस कविता के माध्यम से आप और हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं. सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार. तो यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि हर सावन में हम झूला झूलते हैं, डालते हैं, लेकिन इस बार तो सावन का झूला इतना बड़ा बनाना कि उसमें समा जाए संसार. संसार में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब उस झूले पर झूला झूल सकें, इतना बड़ा झूला बनाया जाए उस डाली पर जो फैली है. लेकिन बच्चों सोचो जरा, इतना बड़ा झूला अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए डाली भी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए. तो समा जाए संसार उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का जिसका कोई न पारा वार. मतलब रस्सी भी कैसी होनी चाहिए जिसका कोई अंत ना हो, इतनी बड़ी रस्सी हो तभी तो इस संसार के लोग उस पर झूल पाएंगे. तो झूला इतना बड़ा हो कि सारे संसार के लोग उस पर झूल सके, और जिस पर ये झूला डाला जाए वो डाली कैसी होनी चाहिए, जो आसमान के पार तक फैली हुई हो, काफी मजबूत और काफी बड़ी हो, तभी तो झूला डाल पाएंगे और इतने लोगों का वजन वो डाली सह सकेगी. और रस्सी भी कैसी होनी चाहिए जिसका कहीं कोई अंत ना हो, इतनी बड़ी रस्सी हो. अब झूला ऐसा बन गया जैसा कि इसमें कवि ने आशा की है. ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि, एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी पैंग में एकदम से अंतरिक्ष के पार. यहाँ पर कवि की यह आशा है कि झूला जब हम इस तरह का डालेंगे, इतना बड़ा झूला बनाएंगे, तो इस झूले पर एक पैग में एक झोटा, जो हम देते हैं ना, एक बहुत धक्का देते हैं और वो ऊंचाई तक झूला जाता है, तो एक ही कदम में झूला इतना ऊंचा जाए कि हम लोग सब कहाँ पहुंच जाए, मंगल ग्रह के द्वार. कहाँ पहुंच जाए, मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार. और जब दूसरा छोटा ले हम या दूसरा कदम बढ़ाएं, दूसरी बार झूले, तो झूले की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि झूले पर झूलकर हम अंतरिक्ष से भी पार हो जाएं. यानी अंतरिक्ष चूंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है,
आपको पता है बच्चों, अंतरिक्ष पर जब इंसान चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आ पाता है। यदि कोई भी चीजें होती है ना, तो वहां क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, तो वहां चीजें चक्कर काटने लगती है। तो हम इतनी ऊंचाई पर जाएं कि हम अंतरिक्ष के पार पहुंच जाएं, ऐसी कवि की इसमें आशा की गई है। तो सावन का झूला डाला जाए, सावन में अक्सर झूले झूलते हैं लोग, लेकिन हर बार डाला जाता था उस झूले से सावन का झूला बिल्कुल अलग होना चाहिए, इतना बड़ा डाला जाए कि सारे संसार के जो लोग हैं वो एक साथ उस झूले का आनंद ले सके। जब हम इतना बड़ा झूला बनाएंगे तो बड़ी डाली चाहिए जो कि काफी मजबूत हो, इसी के साथ आसमान के पार तक पहुंचने वाली हमें डाली चाहिए। और रस्सी कैसी होनी चाहिए बच्चों, काफी मजबूत और काफी लंबी, जिसका कोई पारावार नहीं हो, मतलब कोई और छेद नहीं हो, है ना, कोई अंत नहीं हो, सॉरी। जब झूला झूलते हैं तो क्या होता है, काफी ऊंचाइयों तक झूला जाता है, तो एक ही कदम पर इतना ऊंचा झूला जाए, एक पैंग यानी एक झोटा, तो जिसमें हम वहां मंगल ग्रह तक पहुंच जाए और दूसरे ही कदम में हम अंतरिक्ष के पार पहुंच जाए, ऐसी आशा इस गीत में की गई है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि यह पोयम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।